What's up beautiful people, की हाल चाल, सत श्री अकाल। सो आज यार बहुत टाइम के बाद व्लॉग बना रहे हैं। रीज़न बहुत बड़ा रीज़न है, बाइक उड़ रही है राइट साइड की तरफ, तो ये करवाना है क्योंकि परसों मैं जा रहा हूँ एक ट्रिप के ऊपर, सोलो राइड के ऊपर। बहुत ज़बरदस्त राइड होने वाली है ये वाली, क्योंकि मेरा बड़ा टाइम सा मन था कि मैं एक बार सोलो राइड करके देखूँ क्या मज़ा आता है। तो सोलो मींस बिल्कुल सोलो, बिल्कुल अकेला हूँ, कोई नहीं होगा साथ में। तो मेरा बड़ा टाइम से मन था कि एक बार मैं सोलो राइड करके देखूँ कि क्या, किस तरह से प्लान आउट होता है, क्या मज़ा आता है, क्योंकि मैंने कई वीडियोस देखी हैं सोलो राइड्स की, तो अच्छा लगती हैं सोलो राइड्स। तो इसलिए मैंने प्लानिंग करी कि एक बार ये वाली राइड मैं सोलो करके देखता हूँ। तो वैसे तो पिछली 3-4 राइड्स मेरी कैंसिल हुई हैं कोविड की वजह से, बट इस बार मैंने सोचा कि नहीं यार, जो मर्जी हो इस बार तो निकलना ही निकलना है एट एनी कॉस्ट। तो बस तैयारी शुरू हो चुकी है, अभी मेरी बाइक की थोड़ी सी अलाइनमेंट आउट है, तो मैंने कहा वो करवा लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। और तो और आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ क्या, आज एक बहुत बड़ी बढ़िया चीज़ दिखानी है आपको। बेसिकली मैंने अपने GoPro के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो वो क्या मंगवाया था वो मैं आज आपको दिखाऊंगा, जो कि मेरी इस राइड के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो मैंने पहले ही सोच के राइड से पहले मंगवा लिया था ताकि मेरे पास जल्दी से जल्दी आ जाए। बेसिकली जो मैंने, अगर आपको शायद 3-4 वीडियोस पहले भी बताया था कि मैंने मंगाना है, बट रह जाता था हर बार। तो है क्या, बेसिकली एसेसरीज माउंट्स जो होते हैं वो पूरा एक बंडल है माउंट्स का, जिसके थ्रू मैं बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स ले सकता हूँ बाइक के ऊपर, जैसे टैंक पे माउंट करके। आगे मेरे पास माउंट लगा हुआ है यहाँ पे, तो इस तरह के माउंट से काफ़ी अच्छे शॉट्स आते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, एक काम करते हैं, इस बार इस चीज़ को भी प्लान करेंगे ताकि बढ़िया बढ़िया शॉट्स आ सके इसके साथ। तो अभी पहले फटाफट अलाइनमेंट करवाते हैं, उसके बाद आपको दिखाऊँगा घर पर जाके वो, क्योंकि अभी अभी मुझे कॉल आई है कि वो चीज़ आ गई है। तो जिस जगह पे मैं रहता हूँ उसके आसपास एरिया में सिर्फ एक ही अलाइनमेंट वाला है जो अच्छे से अलाइनमेंट करता है, तो हम भी उसी के पास जाने वाले हैं। तो अलाइनमेंट बहुत अच्छे से करता है, इवन जो रॉयल इनफील्ड के शोरूम से भी अलाइनमेंट के लिए यहीं पे आती है, और वो है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली ये अलाइनमेंट करते हैं, और अलाइनमेंट अच्छे से करते हैं। तो चलो फटाफट से दिखाते हैं। तो अभी गाइस बहुत मशक्क़त करने के बाद फाइनली हमें पता लग चुका है कि अलाइनमेंट कहाँ से आउट है। फ्रंट टायर और बैक टायर दोनों में अलाइनमेंट आउट है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि बैक टायर में कहाँ से, जो उनसे क्लियर नहीं नज़र आ रही है। खोलने के बाद पता चलेगा ना। अच्छा, और देख जाएगा। चलो ये अभी खोलने के बाद दिखाते हैं कि कहाँ से अलाइनमेंट आउट है, लेकिन है। तो बेंड जो है वो ठीक होएगा, उसके साथ साथ अलाइनमेंट भी हो जाएगी, तो फिर जो राइट साइड को जा रही थी वो चीज़ होना बंद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या करना है। तो अभी भैया अलाइनमेंट करवा के ले आए हैं, करके ले आए हैं, तो एक बार देख लो लग रही है। राइड से पहले ऐसे काम हो जाए ना तो यार खतरनाक हो जाता है, तो बट जो चीज़ ज़रूरी है वो ज़रूरी है। और जैसे मैं देख रहा हूँ ना, आज मैं बड़ा गोरा सा लग रहा हूँ। सो
फाइनली अच्छे से अलाइनमेंट हो गई है। सो गाइस फाइनली अच्छे से अलाइनमेंट हो चुकी है और अब एकदम सही चल रही है। अगर मैं पैर छोड़ हाथ छोड़ दूँ ना तो बबलिंग भी नहीं हो रही और राइट साइड को हैंडल भी नहीं जा रहा है, तो बहुत बढ़िया अलाइनमेंट उन्होंने करी है। और जैसा कि मेरी उनसे बात हुई थी, मैं ना डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर डाल रहा हूँ, तो अगर आसपास वेस्ट दिल्ली के आसपास किसी को अलाइनमेंट करवानी है तो कॉल करके वहाँ पे जा सकते हो, बहुत अच्छे से करते हैं। देखो काम कहीं भी आपका हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि वो बंदा जो जिससे आप काम करवा रहे हो वो आपको कैसे ट्रीट कर रहा है। तो कई जगह पे मैंने देखा है कि वो जैसे हम उनसे काम करवाने आए तो हमारे पे कोई एहसान हो गया है, तो बट ये चीज़ नहीं होती है। तो ये चीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि लोग कहीं ना उसको बड़ा अजीब तरीके से हैंडल करते हैं, तो वो चीज़ मुझे नहीं पसंद आती। इसलिए मैं कुछ सिलेक्टेड जगहों पे ही जाता हूँ अपनी बाइक की सर्विस करवाने, सर्विस होगी या कोई भी काम हो जाए। तो अभी मैं जा रहा हूँ पश्चिम विहार। पश्चिम विहार में मेरे को बाइक की एक मीटर वायर चेंज करवानी है और क्लच वायर चेंज करवानी है और थोड़ी सी चेक तेल पानी चेक कर लेंगे, बाकी तेल पानी तो वैसे सही होगा। अभी मैं पश्चिम विहार पहुंच चुका हूं जहां से मैंने बाइक की सर्विस करवानी है, तो फटाफट से ये काम भी निपटा लेते हैं ताकि अपना हम जल्दी से जल्दी फ्री हो सके। ऊपर जाने का रास्ता कहां से होगा? सो फटाफट से बाइक का काम भी निपटा लेते हैं ताकि हम फ्री हो जाएं और अगले काम के लिए हम चल पड़े। तो हमारा सर्विस का काम हो गया अच्छे से अपनी, आप देख रहे हो ना, आप मीटर भी अच्छे से चल रही है, देख लो। क्योंकि ये करीब एक महीने से नहीं, दो महीने से कम ये ना ये मीटर की सुई चल रही थी और ना हमारी रीडिंग चल रही थी। तो ये अच्छे है वैसे, अगर किसी को बाइक बेचनी हो तो पहले मीटर बंद करके आराम से साल भर चला ले, उसके बाद वो फिर मीटर की तार वापस लगा दे। बट यार गलत है, क्यों किसी को धोखा दो छोटी सी चीज़ पे। सो अभी फाइनली आराम से रेस्ट करने के बाद, खाना पीना करने के बाद मैं आ चुका हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं क्या लेके आया हूँ। जो अभी वैसे कमरा बहुत ज़्यादा मैसअप हुआ पड़ा है क्योंकि जैसा मैंने बताया राइड पे जा रहे हैं, तो राइड की प्लानिंग करने के लिए थोड़ी सी मैसअप हो जाता है, तो उसको थोड़े टाइम में ठीक करेंगे। तब तक फटाफट आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या लेके आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए ये देखो ये है, तो इसको फटाफट से ओपन करते हैं। कुछ माउंट्स, एक काम करते हैं इसको ना पहले निकाल लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा सामान है, बहुत ज़्यादा है। तो फटाफट से ये है एक रिस्ट के लिए, ये क्या है, हाँ ये है पता नहीं क्या है, ये कुछ टैग्स हैं, माउंट्स, बकल माउंट, यू माउंट, जे माउंट, जे माउंट, सॉकेट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी कार के लिए।
तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये भी अच्छा है। कुछ बकल माउंट्स, ये क्या है पता नहीं, माउंट्स, चेस्ट स्ट्रैप, ये पता नहीं क्या है। तो बहुत सारे माउंट्स हैं, तो बहुत बढ़िया से यूज़ करेंगे इसका। आने वाली रोड ट्रिप के अंदर ये चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा, कि क्योंकि मैंने क्या प्लानिंग करी थी कि जिस तरह से शॉट्स लेने के लिए अच्छे अच्छे, यार व्लॉग करने के लिए ना बहुत गर्मी लगती है, लेकिन एसी चलाया हुआ मैंने, तो मैंने क्या प्लानिंग करी है कि अच्छे अच्छे शॉट्स लेने के लिए बाइक में अलग अलग जगह को ये माउंट्स लगाऊंगा, ताकि मैं अच्छे से उनसे शॉट्स ले सकूं और आपको भी दिखाएंगे। तो परसों निकल रहा हूं ट्रिप के अंदर, ट्रिप पे बढ़िया सी रोड ट्रिप होने वाली है, बिल्कुल सोलो जा रहा हूं, कोई नहीं होगा साथ में, तो मज़ा आने वाला है। तो आप लोगों को भी बने रहना वीडियो के साथ, अगली वीडियो में आपको कल लेके चलेंगे, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है कल, और दो तीन छोटे छोटे काम हैं, तो कल जाके वो निपटाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ, जय हिंद, बाय।